हाय एवरीवन, दिस इज टेक्नोटिक्स बी। और आपने एक ना एक बार तो गूगल तेज ऐप डेफिनेटली यूज की होगी, क्योंकि उसमें मिल जाते हैं आपको कुछ कूपन्स जो नॉर्मल यूपीआई ट्रांसफर से बेटर दिखाती है। और गूगल का एक ट्रस्ट है उस ऐप के ऊपर कि गूगल ने ऐप बनाई है, तो नॉर्मल जो ग्लिचेस होती हैं ऐप में आपको उस ऐप में देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में वो ऐप आपको देती है कुछ वाउचर्स हर बार, जो मैक्सिमम लिमिट 1000 होती है, जिसपे मैंने भी कमाया है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना कमाया है। प्लीज उस बात को लेके मेरा मजाक नहीं उड़ना चाहिए, अर्निंग इज अर्निंग, वो भले ही 1 रुपए की क्यों ना हो। मेरा रिवॉर्ड कुछ इस प्रकार है, अगर आपको दिख रहा हो, एग्जैक्टली 1 रुपए की है। ओके, ये तो मेरी 1 रुपए की है, अदरवाइज तो काफी अर्निंग हुई है लोगों की, काफी नॉर्मल 500-300 तक की अर्निंग इजीली लोगों ने की है। तो कैसे रिवॉर्ड्स दे रही है गूगल, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कमाती है गूगल तेज ऐप, क्या है इसके फ्यूचर गोल्स, क्या सोचा है गूगल ने इसके बारे में, मतलब आखिर कैसे कमाती है ये गूगल तेज ऐप। तो मेरे जिज्ञासु दोस्तों, हाँ, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी है ना क्यूरियोसिटी का कीड़ा है जो मेरे अंदर है। तो बस अगर आपने वीडियो कर दिया लाइक और चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, तो फिर हम भी शुरू करते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, गूगल तेज अभी करंट 2018 में इस ऐप से इतना ज्यादा नहीं कमा रही है कंपेयरिंग जितना वो इन्वेस्ट कर रही है। कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ उनकी नेग्लिजिबल अर्निंग है 2018 में कंपेयर टू वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप गूगल तेज को देखें तो इतने अच्छे रिवॉर्ड्स देती है वो, साथ में इनके इतना बड़ा डाटाबेस को संभालना, सिक्योरिटी इश्यूज से उभरना, पर इन सबसे कहीं ज़्यादा आता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जब आप अपने आप को फैला रहे होते हैं ना, वहाँ आप बहुत ज़्यादा कंपनीज खर्च करती है पैसा। और गूगल तेज तो तुम देख ही लो, 51 रुपीज़ वो पर रेफरल देती है, और जब स्टार्टिंग में आई थी लगभग वो हर ट्रांजेक्शन पे 20-10 रुपीज़ हर लोगों को प्रोवाइड करा रही थी। कुल मिलाकर ना ये ऐप अभी कुछ नहीं कमा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी कुछ नहीं कमाएगी। गूगल का यार बहुत ही अलग फंडा होता है, मतलब अगर तुम पास्ट में देखो ना तो बहुत ही सही फंडा लगता है मुझे गूगल का। वो बस एक बेसिक से आइडिया पे काम करते हैं, पहले वो करते हैं मार्केट को डोमिनेंट, वहाँ बनाते हैं अपनी पकड़, वो मोस्टली बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बेसिकली वो आदत लगाना चाहते हैं इस चीज़ की कि आप हमारी चीज़ों से जुड़ें। उसके बाद वो कोई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ वो आती है जिससे वो अर्निंग ढूंढती है उसमें। जैसे कि जब गूगल सर्च इंट्रोड्यूस हुआ था उनमें कोई एड्स नहीं था, पहले उसने सर्च मार्केट में अपनी शेयर्स बढ़ाए, दूसरे कॉम्पिटेंट को बिल्कुल बुरी तरीके से पछाड़ा, उसके बाद एक क्रिएटिव आइडिया के साथ ऊपर 4 एड नीचे 4 एड की एक पॉलिसी लेके आए। बेसिक सा फंडा यही रहता है गूगल वालों का। सेम उन्होंने जीमेल के साथ ट्राई किया, सेम उन्होंने गूगल ड्राइव के साथ ट्राई किया, इवन सेम उन्होंने यूट्यूब के साथ ट्राई किया। यूट्यूब को उन्होंने 2006 लगभग जुलाई के टाइम पर बाय किया था, फाइनलाइज लगभग नवंबर तक हुआ था। उसके बाद तक लगभग 1 साल तक उन्होंने कोई एडसेंस उसमें जोड़ा नहीं, कोई एडवर्ड नहीं जोड़ा। फिर वो 2007 में लेके आई एडसेंस प्रोग्राम जो YouTube पार्टनरशिप के तौर पर रहा, जो 45% के शेयर्स को रिवेन्यू जनरेट करता है। तो गूगल का यही फंडा रहता है, पहले वो गैदरिंग करते हैं पीपल्स को, लोगों को लगवाते हैं आदत, उसके बाद वो कमाती है उससे पैसा। तो बहुत ही अच्छा फंडा है। तो इस हिसाब से ना गूगल तेज है ना अभी कुछ नहीं कमाती कंपेयर टू वो कितना इन्वेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के रिसर्च करते करते ना मुझे काफी चीजों के बारे में और पता चला कि गूगल ना मार्केट में ना डाटा इज लाइक डाटा डोमिनेंट कंपनी बनना चाहती है। उनके पास वैसे बहुत डाटा अवेलेबल है हमारा खुद का, अगर आप जीमेल यूज करते हैं, नॉर्मल गूगल सर्च यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास हर चीज का डाटा। इवन आप अगर ओके गूगल इस बंदी से बात करते हैं या इस बंदे से बात करते हैं, उसके पास इसका डाटा भी है। अब आते हो पेमेंट के मार्केट में, पेमेंट मार्केट का यूज करके ना वो इस एरिया में कितना रिवेन्यू जनरेट होता है, लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, लोग किस प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा करने के लिए गूगल तेज ऐप उन्होंने बनाई है, ताकि उनके पास पेमेंट टाइप के भी डाटा आ, जिससे वो अपने एडवर्ड को ना और भी अच्छा रिफाइन कर सके यूजर्स के लिए। डेफिनेटली यार ये फ्यूचर में काफी बड़ा गोल साबित होगा अगर मैं अभी के हिसाब से देखूं। इन सब इंफॉर्मेशन के साथ ना डेफिनेटली डेवलपमेंट में काफी काम किया जा सकता है। नॉर्मल अगर कोई बिजनेस सेटअप करता है तो उस हिसाब से गूगल उनको सजेस्ट कर सकती है कि यहाँ पर इस चीज के लिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो मे बी यहाँ ज्यादा स्कोप है उस चीज के, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी काफी अच्छा प्रोत्साहन कर रही है डिजिटल मार्केट
को जितना कम से कम हो सके रुपी को यूज करने के लिए कम कहती है। यार सबसे अच्छे अगर कोई एड प्रोवाइड करता है तो गूगल प्रोवाइड करता है, रियल जेन्युइन एड्स होते हैं। तो गूगल तेज का ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म्स। अभी के हिसाब से तो बहुत कम अर्निंग, पर जो इन फ्यूचर गोल्स होंगे गूगल के डेफिनेटली हमारी थॉट से बियॉन्ड होंगे। तो ये होते हैं यार किसी भी कंपनी के गोल की शुरुआत में ऑब्वियसली यार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और बाद में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मिले, वो आपके आइडिया पे डिपेंड करता है, आपने कैसे लोगों को लीड किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है और आप अपने कंज्यूमर्स की कितना सुन रहे है ना उस पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों से शायद गूगल उबर चुकी है। ओके, क्योंकि गूगल इतनी बड़ी है तो यार उनको हर चीज पता होगी, तभी वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। मे भी हो भी सकता है ये फेलियर ही रह जाए उनका, कुछ भी नहीं कह सकते, पर गूगल यार गूगल है। तो कुल मिला के समरी हो गई इस वीडियो की कि गूगल ना सबसे पहले करती है कि वो यूजर्स को जोड़े अपनी तरफ, सबसे पहले वो डोमिनेटिंग हो मार्केट में, उस फील्ड में वो डोमिनेटिंग हो, उसके बाद वो कोई ना कोई तिकड़म लगा के ना वहां से अर्निंग के तो सोर्स निकल ही आते हैं। ये तो कॉमन सी चीज है यार कि मतलब अगर यूट्यूब पर मेरी वीडियोज बहुत देखी जा रही है तो इनकेस अगर एडसेंस बंद भी हो जाता है ना तो बहुत अलग तरीके होते हैं, क्योंकि मेरे पास होगी कम्युनिटी, मेरे पास होंगे लोग और लोग ही हैं बस मेन। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो यार मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी। कैसे बताओगे मुझे? कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कोई सुधार चाहते हो या चाहते हो किसी और चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो जस्ट कमेंट में मेंशन करो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का काउंटर जरूर बढ़ाएं। ओके, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। इस वीडियो को आप अपने सारे टेकी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई फ़ोन की पाबंदी नहीं है, ये जिज्ञासु वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि आप हर किसी के साथ शेयर करें। और साथ में चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने दूसरे भाइयों बंदियों को भी सब्सक्राइब करने को। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।